ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नित्या नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् देवीं सरस्वतीं व्यासं जया मुदीरयेत्। ततोदयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 18। नमस्ते प्रसन्न उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्दं नमस्ते पुरुषं त्वाद्यां ईश्वरं प्रकृते परम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। कुन्ती उवाच कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्दं नमस्ते ईश्वरं प्रकृते परम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। हरे कृष्ण। कुंती उवाच कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वामद्य नमस्ते पुरुषं तात्माद्य ईश्वरं प्रकृते परम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण कुंती वाचा कुंती नमस्ते पुरुषं त्वा नमस्ते पुरुषं पदं वाम ईश नमस्ते पुरुषं त्वाधम पदं ईश्वरं प्रकृते परम ईश्वरं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् पुष्यं कुन्ते वाच नमस्ते पुरुषं त्वाधम ईश्वरं प्रकृतये परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण श्रीमती कुंती ने कहा हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य है। हरे कृष्ण तात्पर्य श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान है। भले ही वे उनके भतीजे लगते थे ऐसे प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, अतः उन्होंने आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य है लेकिन वे ना तो आदि है ना अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतः वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्या नाम चेतस चेतना नाम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र या सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंत तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंदर में भी विद्यमान थे। भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से उससे उसमें स्मृति विस्मृति ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है तो भी वे अदृश्य है। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहले तुल्य है महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है किंतु फिर भी उत्तरा के घर में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय वस्तु वे दोनों है लेकिन ये अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं है उनके समक्ष प्रकट ना हो। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है कि यही वी जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्ण स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो कल से हमारे क्लास बहुत ही सुंदर हो रहा है क्योंकि भक्तगण नियमित रूप से आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है गांव में कि बेटा रहता है बाहर
कोई रहता बेंगलोर में, कोई रहता दिल्ली में, बेटी की शादी होके कहीं पर मतलब ससुराल में है, लेकिन दीपावली या दुर्गा पूजा में क्या होता है, बेटा भी आते हैं, बेटी भी आते हैं, दामाद भी आते हैं, तो पूरा परिवार जो है ना हरा भरा रहता है। वैसे ही कल जो हमारे सभी महारथी आए थे, हम लक्ष्मी को बोले, आज तो हमारे सभी महारथी आ गए हैं, एक रथी दशरथी महारथी। महाभारत में जो महान महान महारथी है ना, तो हमारे ग्रुप में, हमारे क्लास में जो मुख्य महारथी है, विभा माता जी, गीता माता जी, विश्वनाथ प्रभु, गोपाल प्रभु, एकमात्र एक माता जी नहीं थी, वो है नंद किशोर। अन्यथा सभी महान महान महारथी हमारे क्लास में थे। तो आज विश्वनाथ प्रभु ज्वाइन करते, लेकिन वो तो बस में है ना, वो कलकत्ता से घर जा रहे बांकुड़ा, तो बस में इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पाए। और कल हमारे राकेश कुमार राय, राकेश कुमार रांची, और एक नया राहुल कुमार, तो लगभग कल पूरे फैमिली भर गया था। इसीलिए अच्छा होता है ना, प्राणमोहन प्रभु जी जब सभी साथ में, परिवार के लोग जब सब एक साथ में रहते, तो उस समय का आनंद थोड़ा अलग ही होता है ना, समय का आनंद अलग ही होता है। दूसरे समय में क्या होता है, कोई एक सब्जी में प्रसाद पा रहे हैं, कोई दाल बना के सिर्फ नमक लगा के खा रहे हैं, लेकिन जब सभी एक साथ रहेंगे, दीपावली या दुर्गा पूजा या किसी छठ या जो माघ मेला आएगा, वो आनंद एक डिफरेंट है। तो ऐसे ही हुआ था, कल हमारा मेला लग गया था, सभी महान महान भक्तगण उपस्थित थे, और आज भी है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, कुंती महारानी की प्रार्थना जो इतना हजार निकल तो बैंक वाले से दूसरे अकाउंट से ना अपना सेम में बैंक मारना, बहुत नियम हुआ वो। हाँ तो हम लोग, ये जो हमारा अध्याय है आज, माता जी का क्लास कौन कौन सुने सुबह का भागवतम क्लास, हाथ उठाइए, बोलने का जरूरत नहीं, इसे हाथ उठाइए, दिखाई देगा। तो भी चेंज कर रहा है ना, ये ट्रांजेक्शन इतना कर सकते हैं, प्लस निकाल अच्छा, सकते हैं, इसमें नहीं निकालते उसमें निकाल सकते हैं। गीता माता जी, विभा माता जी, और राकेश, ये क्या बोलते हैं, प्राणमोहन प्रभु जी। राकेश कुमार प्रभु जी, आपका आवाज आ रहा है, मोबाइल को क्यों इधर उधर कर रहे हैं, एकदम पूरा शांत भाव से सर। आपका आवाज आ रहा है राकेश कुमार राय प्रभु जी, म्यूट अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट करके रखिए। नंद किशोरी माता जी सुने थे सुबह, जी अच्छा ठीक है, 9 बजे बहुत सुंदर, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा जो कल जो डिस्कस किए, कल के क्लास का थोड़ा हमारा ओवर व्यू प्रदान करेंगे विभा माता जी, और आज जो सुबह जो क्लास हुआ उसमें भी अगर एक दो पॉइंट बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंड और प्रणाम। ओवर व्यू सुनाने के लिए तो गीता माता जी आते हैं। हम लोगों ने कल का श्लोक में तो जो श्रवण किया उसके बारे में, अभी मनु की पत्नी उत्तरा का गर्भ में पल रहा है राजा परीक्षित को तो जो अश्वत्थामा ने अमुक बाण मारा, उसके बारे में हम लोगों ने सुना था कल श्लोक में। तो उनको कैसे भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया, गर्भ में ही उनकी रक्षा की, कोई काट नहीं सकता, लेकिन उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसे रक्षा की और राजा परीक्षित को गर्भ में ही अपना दर्शन दे करके उन्हें रक्षा की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राजा परीक्षित रक्षा के बारे में आवाज आ रही है,
आवाज आ रहे है माता जी आपके उधर से, शायद कोई बात कर रहे क्या? विभावंत जी आपकी तरफ से आवाज आ रही, कोई बात कर रहे? देखिए तो कौन बात कर रहे? राकेश कुमार प्रभु जी का तो म्यूट है आपका, आज हेडफोन नहीं लगाया ना, हेडफोन नहीं है ना? हेडफोन है, एक ही है, एक कान में रखी और एक यहाँ पे माइक्रोफोन मुख में बोली ताकि क्लियर आवाज आए। दो अगर है तो, क्योंकि इसमें आपका क्लियर आवाज नहीं आ रहा। अभी बोली तो दूसरा से आवाज आ रहा था, हरे कृष्ण प्रभु जी अभी आ रहा है जी, अभी ठीक है, बताइए। हरे कृष्णा, बोलिए। कोई बच्चा है सामने, देखिए कोई बच्चे का आवाज आ रहा है, बच्चा खेल रहा है बाहर है लेकिन आपका माइक्रोफोन जो बहुत पावरफुल है, बहुत कैच कर रहा है, उधर का आवाज है यहाँ पे कैच कर। मुरारी जी आवाज नहीं कीजिए। हरे कृष्णा, आवाज नहीं करना तो चलो। हम लोगों ने उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा भगवान ने कैसे किया, उन्हीं के बारे में हम लोगों ने जाना कि अश्वत्थामा ने अमोघ बाण छोड़ा, जिस बाण को कोई भी काट नहीं सकता है, किसी का कोई भी उसे मार नहीं सकता, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, परम पुरुषोत्तम भगवान ने उस बाण को निष्क्रिय कर दिए, जिस संकल्पित करके भगवान बाण को छोड़ा था अश्वत्थामा ने, भगवान उसे निष्क्रिय करके ऐसा कर दिए ताकि लग रहा था एकदम पूरा पावरहीन, कोई शक्ति नहीं है उस बाण में, जबकि उस बाण का जिसके नाम से संकल्पित करके छोड़ा जाता है उसका काम ही था कि उसे जीवित नहीं छोड़ेगा, उसको जो ये अपना उद्देश्य को करके ही लौटता था, लेकिन उस बाण को भी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा निष्क्रिय कर दिया जैसे उसमें कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो भगवान का भक्त होते हैं, जो उनके शरणागति होते हैं, भगवान हर तरह से उन्हें तत्पर होने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि भगवान को पता था कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के सभी पूर्वज से लेकर के सभी वंशज मारे गए, और यही जो है पूर्व वंश का एक जो ये गया परीक्षित जो होंगे वही उनके वंश को चलाने के लिए आगे अपने कार्य को कर पाएंगे, नहीं तो पूरा कुरु वंश ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तरा के प्रार्थना पर भगवान ने राजा परीक्षित को उनके माँ का गर्भ में ही इस प्रकार से रक्षा किया, जिस प्रकार से आपने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि रामावतार में जब विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांग करके ले गए थे राजा दशरथ जी से, क्योंकि वो तारका और सुबाहु भगवान विश्वामित्र जी को जग नहीं करने देते थे, तो भगवान ने उसी प्रकार से यज्ञ स्थली को पूरी तरह से आच्छादित कर दिया बाणों से, ताकि वो जो असुरी प्रवृत्तियां थी वो उनको यज्ञ करने में कोई विघ्न न डाले। उसी प्रकार से भगवान ने भी उत्तरा के गर्भ को पूरा आवृत कर दिया, ढक दिया अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से। तो उस प्रकार से गीता में भी भगवान कहते हैं कि मैं ही परम सत्य हूँ, मेरे सिवाय और कोई सत्य नहीं है, इसलिए भक्तों को सदैव ही भगवान की शरणागति में जाना चाहिए, भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए, और कभी भी हमें श्लोक संख्या 17 में भगवान कहते हैं कि कभी भी जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो कि कुंती के प्रार्थना के बारे में हम लोगों ने जानेंगे कि कभी भी जो भगवान का भक्त होता है ना, कभी भी किसी अपूर्ण जीव या किसी और देवी देवताओं के पास जाकर के प्रार्थना नहीं करते हैं, वे सदैव भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित रहते हैं, उन्हीं को शरणागति रहते हैं, यदि कुछ कहना बोलना मांगना कुछ भी है तो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाकर के अपने प्रार्थना को करते हैं, उन्हीं को अपना प्रार्थना दुख दर्द को सुनाते हैं और उन्हीं पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं, उन्हें कोई और देवी देवता या कोई किसी और जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे भगवान इतने समर्थ इतने परम पुरुषोत्तम है कि उनके बारे में कहना तो बहुत ही मुश्किल है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, उनकी नस्ल बल शक्ति ऐश्वर्य किसी का भी कोई सीमा नहीं है, असीमित है। इस प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण को ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा
इस भौतिक जगत में हम बंधे रहेंगे, कभी भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सबकी दाता है, सभी जीवों को दाता है। जैसे सूर्य चंद्रमा आदि जो जिनका चमक है, जिसको भगवान के सुदर्शन चक्र या उनके प्रकाश के बारे में जो वर्णन किया गया, तो आखिर भी सूर्य और चंद्रमा भी भगवान से ही अपने प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और उसी ऊर्जा से हमारी सूर्य चमकता है या चंद्रमा में जो अमृत मिलती है, जो हमें साग सब्जी के रूप में या अमृत के रूप में जो चंद्रमा से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला जुला के सारा निष्कर्ष भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है कि सारे जीव, सारे तत्व, प्रकृति का सबका ये करने वाले, सबको प्रकाशित करने वाले, सबको ऊर्जावान करने वाले भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान हमारे श्री कृष्ण है। अतः उन्हीं के शरण में हमें जाना चाहिए। जैसा कि कल बहुत सुंदर एक क्या बोलेंगे उसको, एक सेंटेंस आपने बताया था कि भगवान सदैव भक्त को यही कहते हैं कि तुम मेरे मर्जी के अनुसार चलो, अपना मर्जी, अपना दिमाग, अपना बुद्धि मत लगाओ। जिस प्रकार से आपने बताया था कि भगवान सदैव यही कहते रहते हैं कि हे जीव, तुम वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन पर वो होता नहीं है, होता वही है जो कि मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, और फिर लास्ट में वही होगा जो तू चाहता है। जो कि पांडव दुर्योधन के ऊपर आप लोग आपने इसको ये करके वशिष्ठ करके बताया, जिस प्रकार से हमें भगवान की मर्जी के अनुसार ही सारे कार्य करना चाहिए। भगवान को पाने के लिए अपना बुद्धि और दिमाग नहीं लगाना है, भक्ति रूप से भगवान को हम पा सकते हैं, इसलिए हमें सदैव भगवान के शरणागति करना चाहिए। नित्यम भागवतम सेवा और संतों की संग सत्संगत जो कि हम लोग जूम क्लास के अंतर्गत कर रहे हैं, ये निरंतर करते रहना चाहिए यथासम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। तो जब हमारा क्लास जब अपलोड हो जाएगा ना, तो उस समय थोड़ा सा यूट्यूब में देख लेना कैसे एक आवाज आ रहा है, बहुत ही मतलब हो सकता कोई करताल बजा रहे हैं ऐसा कुछ। गीता माता जी आपका आवाज लग रहा है ना, एक आवाज जब आ रहा था वो माइक से आ रहा होगा शायद, उनके माइक में है ना कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, इसकी वजह से है। तो चलिए, अभी हमारे विवा माता जी तो पूरा कल जो कुछ घटना घट चुके थे वो तो बोल दिए, अगर उनमें से कुछ बचा है तो वो बोलिए, या आज जो सुबह जो क्लास हुआ उसके ऊपर में कुछ बोलने की अगर हृदय में इच्छा है तो प्रकट कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। कल जो पढ़ाए, जो पाठ लिए थे वो 14, 15, 16 और 17 था। तो उसमें बहुत सुंदर सिद्धांत है परमात्मा के रूप में, परम योगी जो भगवान है श्री कृष्ण, एक ही समय में सभी व्यक्ति के हृदय में निवास कर सकते हैं। तो इसलिए महाराज कुरु के वंशों की रक्षा करने के लिए उत्तरा के धर्म को आच्छादित मतलब ढक दिया। महाराज पांडु भी कुरु के वंशज थे और महाराज धृतराष्ट्र भी कुरु के वंशज थे, लेकिन दोनों के परिवारों में कुछ मनमुटाव होने के कारण दोनों अलग अलग हो गए, नाम अलग अलग हो गया। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाए और आगे पांडु के पुत्र को पांडव कहलाए, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र भी और पौत्र सब मारे गए थे। अतः इस देश में इसका अंतिम पुत्र जो है वो कुरु पुत्र के नाम से अभिहित किया गया था। और 14 में ये था कि भगवान का ब्रह्म तेज जो होता है उसके ऊपर सब लोग आश्रित रहते हैं, जैसे जाज्वल्यमान प्रभा, जैसे अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया जो परम ब्रह्मास्त्र था ना वो अमोघ था। अमोघ का मतलब कि जिसकी दृष्टि कभी नहीं चुकती, वो होता अमोघ। तो अश्वत्थामा द्वारा जो छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र जो था वो अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता, उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता था, ऐसा था अश्वत्थामा का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का तेज इतना तेज के सामने वो निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो जिस प्रकार सूर्य के किरण से ना, सूर्य के गोल से जो किरणें निकलती है वो सूर्य का ही है, उसी प्रकार जो कुछ भी इस प्रकृति में हो रहा है वो कृष्ण के
भगवान कृष्ण ही पूर्ण है, जैसे भगवान कृष्ण के अंदर से ही सब हो रहा है, तो वो ही एकमात्र है जो उस ब्रह्मास्त्र को वो कर सकते थे, रोक सकते थे, निष्क्रिय कर सकते थे। तो भगवान इसीलिए बोला जाए, उसमें श्लोक में कहा गया है कि भगवान परम पूर्ण है, इसलिए अश्वत्थामा द्वारा जो छोड़ा गया जो ब्रह्मास्त्र था ना, वो निष्क्रिय हो गया। यानी श्री कृष्ण की शक्ति के बल के सामने उन्हें किसी और की सहायता की जरूरत नहीं थी। 15 में ये था, और 16 में ये बताया गया कि भगवान कृष्ण की महिमा बताई गई थी उसमें। हर जगह तो हम भगवान कृष्ण की महिमा ही बोलते हैं, लेकिन इस लोक में कुछ अच्छा ही बोला था, अच्युत अच्युत श्री भगवान के कार्यकलापों को आश्चर्यजनक बोले, क्योंकि हम लोग क्या है, जीव क्या है, नन्हे से मस्तिष्क हमारा, तो वो अपन उतना दूरदृष्टि नहीं हम लोगों का, हम लोग सामने ही देख सकते जो उससे भगवान जो है उससे भी अपार है। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं को उत्पन्न कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उसको संहार कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं क्या है, अजन्मा है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे हमारे विचार शक्ति से परे है, क्योंकि भगवान क्या है, 100% 100% पूर्ण है। और ये तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, दूसरे अर्थ में भगवान के तुल्य कोई भी नहीं है, या उनसे बड़ा, या वे अद्वितीय है, ये बोल सकते। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है। तो ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, महेश या अन्य सभी जीव जो है उसमें कोई पूर्णता, वे है पूर्ण, ऐसे पूर्णता का कुछ प्रतिशत है जो उसमें पाया जाता है, लेकिन पूर्ण नहीं है हम लोग। और 17 में हम लोग ब्रह्मास्त्र के बारे में, ऐसे ब्रह्मास्त्र क्या होता है, कभी विफल नहीं होने वाला, उसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, ब्रह्म तेज। तो ब्रह्मास्त्र का जो विकिरण विस्फोट से बचकर कुंती अपने पुत्र और क्या बोलते हैं उनको, द्रौपदी के साथ, कृष्ण भगवान के साथ, वहां आगे के श्लोक में बताएंगे आप। मतलब उसमें श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया, भगवान का सच्चे भक्त के बारे में बताया। भगवान का सच्चे भक्त कौन होता है? सच्चे भक्त वही होता है जो संकट से उभरने के लिए किसी निजी या देवी देवता का दया का भीख नहीं मांगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ही उनके स्वेच्छा भक्तों का स्वेच्छा से सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए खड़े रहते हैं। तो यह भगवान श्री कृष्ण का दिव्य भाव है। तो वे भक्त के सपोर्ट के लिए, निर्भरता के लिए, स्वतंत्र रूप से जीने के लिए, उनके लिए वो पुरस्कृत करते हैं। भगवान भक्त के लिए, भक्त जो निर्भरता है उसके ऊपर वो पुरस्कृत करते। ऐसे सच्चे भक्त भगवान कृष्ण से सहायता कभी नहीं मांगता, बल्कि भगवान स्वयं अपने इच्छा से उनकी सभी कार्य पूर्ण करने के लिए स्वेच्छा से उत्सुक रहते हैं। तो ये था 17 वाले में। और आज हम कुंती जो बोली उनको आगे कृष्ण को, वो सुनेंगे, वो पढ़ेंगे आज। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, एकदम विनम्र भाव से हमारे सामने व्यक्त किए कल की कथा को। तो हमारे प्राणमोहन प्रभु जी कुछ पॉइंट अगर होगा तो हमारे बीच में प्रस्तुत करना चाहेंगे। आज का सुबह का क्लास भी हो सकता है, और आप लोग को उदाहरण याद नहीं रहे, तो मैं उदाहरण दिया था, साइकिल, पालकी, एरोप्लेन, जहाज, ये सब कितना उदाहरण है, उसे कुछ तो याद, कुछ तो पॉइंट बोलना चाहिए। आपने बहुत उदाहरण दिए थे, मैं तो सिर्फ उसको जो आपका फिलोसफी है वो उसको बोली हूँ। हाँ, प्राणमोहन प्रभु जी बताने की कृपा करें। प्रभु जी, माता जी, आज स्कंद 1 12 का श्लोक नंबर 28 परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में बताई थी, और जन्म तो पहले ही ले लिए थे, लेकिन जन्म के बाद सुखदेव मुनि से जो सुन रहे थे
ऋषि मुनि गण आए थे ज्योतिष गणना करने के लिए, क्या क्या होगा, आए थे और तो चलिए ठीक है, आप प्रश्न रेडी रखना, प्रश्न जब हमारा क्लास खत्म होगा तो उस समय प्रश्न करना है, कोई बात नहीं। फिर भी बहुत हमारे राकेश कुमार प्रभु जी को कुछ बोलेंगे, प्रभु जी अभी हम जगन्नाथपुरी में हैं, अभी बहुत भीड़ लगा है ना, अभी कुछ नहीं होगा। चलिए राकेश कुमार प्रभु जी से तो वो समुद्र दिखा रहे ढेव, ये देखिए समुद्र का ढेव हमारे राकेश प्रभु जी दिखा रहे हैं। मोबाइल को टेढ़ा कीजिए प्रभु जी, टेढ़ा कीजिए मोबाइल को, टेढ़ा कीजिए, वो सीधा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, जय जगन्नाथपुरी धाम की जय। मोबाइल को ऐसे कर, ऐसे कीजिए, ऐसे करके समुद्र की ओर दिखाइए। हाँ, क्षीरसागर देवता को भी जो है हम लोग एक बार चलिए जय महासमुद्र की। ठीक है जय जय प्रभु, हरे कृष्ण हरि बोल प्रभु जी, दर्शन कराए जगन्नाथपुरी धाम के बाद बहुत अच्छा है। यहाँ क्षीरसागर देवता के प्रांगण में बैठ के बोलो जी प्रभु जी, कृपा हम लोग के लिए भी जगन्नाथ प्रसादम भेज देना है, जगन्नाथ प्रसादम वहाँ पे लेके आना है। एक काम करना है प्रभु जी आपको, मैं बता रहा हूँ, कुछ करे या ना करे आप भविष्य में आपका गोविंद रेस्टोरेंट में कब खिलाएंगे सभी भक्तों को अलग मैटर है। पहला काम अभी ये कीजिए, वो जो खाजा पैकेट होता है ना 50 रुपया करके खाजा पैकेट मिलता है जगन्नाथ प्रसाद, उसको लाइए। वो देखना है बांस का बना हुआ पैकेट दिख रहा था, बांस का बना हुआ। हाँ तो वो पैकेट लाना है, बांस का ही बना हुआ। वो वाला कम से कम हमारे ग्रुप में कितना है, गीता माता जी है, नंदकेश्वरी माता जी है, तो सब आप लाइए और उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट करना है। 65 रुपये करके लगेगा, 65 रुपीज चार्ज या 45 रुपया लगेगा, वो सबके वहाँ मेरा मायापुर में भेज देना, गीता माता जी को छत्तीसगढ़ भेज देना। एक सेवा कीजिए अगर सच में जगन्नाथ की कृपा सभी भक्तों को देना चाह रहे तो, चेष्टा कीजिए। ठीक है आदेश ठीक है, ठीक है ठीक है ना, ठीक है ठीक है प्रभु। 56 भोग बोलता है, हाँ हाँ, और खगड़ा के अथी में देता है, खगड़ा का जो है दोना बना के जी जी प्रभु। तो हाँ ठीक है प्रभु, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे जैसे गीता माता जी बताए हमारे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमती कुंती महारानी के जीवन में 18 नंबर श्लोक में महारानी कुंती अपनी प्रार्थना शुरू कर रहे क्या कि नमस्से पुरुषम तद्दम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। एक्चुअली यहाँ पे उच्चारण होना चाहिए कुंतू वाचा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं कुंती वाचा डायरेक्ट बोल, जब इसको उच्चारण कर रहे ना कुंतू वाचा तो इसमें क्या है ना, मतलब मेंटल या फीलिंग जो है उल्टा आ रहा है यार, कुंती इतना सुंदर नाम है और यहाँ पे कुंतू, दिस इज नॉट गुड। तो जिसके कारण मैं इसको संधि विच्छेद करके उच्चारण किया कुंती वाचा। एक्चुअली कुंतू वाचा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ओरिजिनल आएगा कुंती वाचा, इसीलिए कुंती वाचा, क्योंकि भविष्य में अगर इस यही क्लास अगर कोई आप लोग यूट्यूब से देखे या कहीं पर हो रहा है तो वहां पे वो उच्चारण करेंगे कुंतू वाचा, तो उस समय आप लोग प्रश्न कर रहे हमारे जगन्नाथ प्रभु तो कुंती वाचा बोले थे, यहाँ पे कुंतू वाचा क्यों। इसीलिए सभी भक्तों को पहले ही हम कन्फर्म मतलब क्लेरिफाइड कराए थे ताकि भविष्य में ये एक्चुअली अब दोनों को मिला के बोलेंगे तो कुंतू वाचा, तो जब ये कुंतू वाचा बोल रहे तो क्या फीलिंग आ रहा है बताइए, तो मन अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, इसीलिए उसको सरल भाषा में संधि विच्छेद करके बोले कुंती वाच। इसमें लिखने वाले व्यासदेव का भी गलती नहीं है,
क्योंकि संस्कृत में ऐसा ही होता है। और यहाँ पे अगर कुंती हुआ चलेगी तब तो हिंदी हो जाएगा देवनागरी, तब तो संस्कृत का मर्यादा नहीं रहेगा, इसीलिए कुंतु आचा। लेकिन हम लोग को देश काल परिस्थिति का विचार करते हुए यहाँ पर वैसा उच्चारण करना। कुंतु मीन्स अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है, कुंती मीन्स हाँ गुड आदर्श आइडियल, इसीलिए कुंती वाचा। समझ गए गीता माता? क्लियर क्लियर जी जी। हाँ तो महारानी कुंती ने क्या कहा कि हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं, आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य है। भतीजा लगता है कृष्ण महारानी कुंती का, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आदि पुरुष है। क्या जसोदा माता कभी बोले हैं कृष्ण को कि आप आदि पुरुष है? नहीं बोले। देवकी बोले है? नहीं बोले है। कौशल्या माँ बोले है राम को आप तो आदि भगवान है? नहीं। लेकिन कुंती महारानी यहाँ पे बोल रही है। क्यों बोल रही है, इसका कारण हम लोग नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। तो जो भी है, तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का जो अंतर जो गहराई है ना, बहुत ही डीप है, बहुत ही डीपली है। जैसे समुद्र का पानी, जैसे समुद्र बाहर से लगता है कि बहुत ही मतलब सुंदर ढंग से चल रहा है, लेकिन उनका जो प्रवाह है ना, उनका जो गति वो बहुत ही तीव्र और बहुत ही डीप है। तो उसी प्रकार ये जो श्लोक है, यद्यपि दिखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है ये हाँ दूसरे श्लोक की तरह ही है, ये भी एक श्लोक, लेकिन 18,000 श्लोकों में ये जो महारानी कुंती के जो स्तुति है, ये कोई साधारण स्तुति नहीं है। 18 नंबर श्लोक से जो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ना जसोदा माता बोले भगवान को आदि पुरुष, ना सची माता बोले चैतन्य महाप्रभु को आदि पुरुष, ना कौशल्या माता बोले भगवान राम को आदि पुरुष, लेकिन कुंती महारानी यहाँ पर बोले कि भगवान को आदि पुरुष, जबकि भतीजा लगता है। इसका मतलब इतना गहराई होना चाहिए इसमें, इतना गहराई है। तुम जो तो कुंती महारानी, उनको भली भांति ज्ञात था कि भगवान जो कृष्ण जो है ना, वो भगवान ही नहीं, वो आदि भगवान है। भले ही लगे कि भतीजे मतलब रिलेशन में हो सकता भतीजा हो, लेकिन वो है आदि भगवान। तेसी प्रबुद्ध महिला, मतलब ये जो अनुभवी भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, है ना। ऐसे कोई अनाड़ी जो होते हैं ना, जिसका कुछ ज्ञान म्ञान नहीं है, कई बार किसी को भी प्रणाम कर बैठता है। हमारे मायापुर मंदिर में कभी कभी माताजी लोग आते हैं, पूरा दंडवत प्रणाम करती है। माताजी लोगों को दंडवत नहीं करना है, सिक्योरिटी बोलते हैं दंडवत नहीं, पंचांग प्रणाम कर। तो कुंती महारानी जो है ना, ये प्रबुद्ध महिला है, एक्सपीरियंस अनुभवी आत्मा है। ऐसा नहीं कि ऐसे नॉनसेंस के लिए कुछ भी ऐसे किसी को बोल दे रहे, मेरा भतीजा लगता है इसलिए मैं इसको भगवान बना दे रहा हूँ, है ना। बंगाली में कहावत है कि काना छेलेन नाम तिरलोचन, मतलब अंधा लड़का का नाम तिरलोचन, मतलब जो माँ होते हैं ना, उनका अगर अंधा बच्चा भी पैदा हो तो प्रभुपाद बोलते हैं कि उसको तिरलोचन बोल के बुलाया जाता है। क्यों? यद्यपि उनका एक आंख भी नहीं है, अंधे है, लेकिन उनका नाम दिया गया तिरलोचन, तीन आंखें हैं, लेकिन क्यों बुलाते? प्रेम से। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कुंती महारानी ऐसे आधार पर, इस आधार पर भगवान श्री कृष्ण को नहीं बोल रहे, है ना। वो प्रबुद्ध महिला, प्रबुद्ध मतलब अनुभवी है। समझ गए डिफरेंस? जो माताजी जो होते हैं, मतलब हमारे इस भौतिक संसार में जो माँ है, अगर उनका लड़का अगर अंधा भी पैदा हो तो उनको क्या बोले, हाय रे मेरे सुलचन, मेरे तिलोचन, मेरे कमल लोचन। यद्यपि आंख ही नहीं है, दिखता ही नहीं कुछ, लेकिन फिर भी बोलता है। क्यों? प्रेम से, ममता से, स्नेह से। तो इसी प्रकार व्यक्ति को ये भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि जो कुंती महारानी जो है ना, ये कुंती महारानी का भतीजा मतलब बेटा पुत्र लगता है, इसीलिए हो सकता है किसी को भी बोले कि तुम तो भगवान हो, आदि भगवान। रूपक बोले नहीं, बल्कि अनुभवी आत्मा है,
वैसे ही एरे गेरे किसी को भगवान नहीं बना रहे, ऐसे एरे गेरे किसी को भगवान नहीं मान रहे हैं। उन्होंने आदि पुरुष